सब उपदेश 11:9 में लिखा हुआ है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिन में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आपके सामने जीवन और मृत्यु दोनों हैं, चुन लो जिसको चुनना चाहते हो, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। और जो मसीही गुप्त में पाप करते हैं और कहते हैं कि मुझे किसी ने नहीं देखा है, तो सुनो, अय्यूब 34:21-22 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं भी नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके। परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा कोई स्थान नहीं है कि मनुष्य परमेश्वर की नजरों से छिपकर पाप करे। सबको परमेश्वर देखता रहता है, चाहे मसीह पे विश्वास करता हो, चाहे अन्य जाति हो। और लिखा है सभोपदेशक में 12:14 में, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो चाहे बुरी, न्याय करेगा। जब अंतिम न्याय करेगा परमेश्वर स्वच्छ सिंहासन के सामने, चाहे भली बातें हो चाहे बुरी बातें हो, चाहे गुप्त में हो चाहे खुले में, सबका न्याय करेगा परमेश्वर, कि वह न्यायी परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। बाइबल हमें बताती है कि विश्वासियों की मृत्यु के बाद उनके प्राणों और आत्माओं को स्वर्ग में ले जाया जाता है। इसलिए मृत्यु के बाद हर एक व्यक्ति स्थायी रूप से स्वर्ग या नर्क में जाता है। जब परमेश्वर न्याय करेगा स्वर्ग सिंहासन के सामने, तब अविश्वासियों को आग की झील में डाला जाएगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं, वहाँ उन लोगों को डाला जाएगा। जैसे लिखा है प्रकाशित वाक्य में 20:11-15 में, और मैंने एक बड़ा स्वर्ग सिंहासन देखा, और मैंने एक बड़ा स्वर्ग सिंहासन उसको जो उस पर बैठा है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, उनके लिए जगह न रही। 22 में, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा स्वर्ग सिंहासन के सामने, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न पाया जाएगा, तो उसको स्वर्गदूत खींच तान कर नर्क में उसको फेंक देंगे, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं, वहाँ उन लोगों को डाला जाएगा, युगानुयुग के लिए डाल दिया जाएगा। मत्ती की पुस्तक 25:46 में लिखा हुआ है, और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। उन लोगों को अनंत काल के लिए तड़पना पड़ेगा, अनंत काल के लिए तड़पाया जाएगा। उस समय धर्मी लोग अनंत जीवन पाएंगे नए यरूशलेम में, स्वर्ग में। इसलिए समय रहते हुए पश्चाताप कर लो, आंसू बहा लो, परमेश्वर माफ कर देगा आपको, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। आस लगाए बैठा हुआ है परमेश्वर कि मेरा बेटा अब सुधर जाएगा। इसलिए पाप छोड़ दो, बुराई छोड़ दो मेरे प्रियो, अंत का समय चल रहा है। शैतान अपना तीर बहुत जोरों से चला रहा है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप स्वर्ग जाए, अपना मन फिराए। शैतान परमेश्वर के वचन से दूर रखना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए शैतान को हराओ भाई, वचन पर चल के। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों के पास दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।